हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम है दोस्तों सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस, और आप सबको स्वागत है मेरे साथ द बैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी चीज़, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर आज क्या है डेली न्यूज़। लीजिए, तो पहली न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो फ्रेंड्स, अभी जो है स्वीडन ने अभी ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आईएसए जैसे कि हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो भी ज्वाइन कर रहा है, यानी कि इसका भी हाल ही में एक न्यू मेंबर बन चुका है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अभी हाल ही में किसने ज्वाइन किया, तो स्वीडन ने ज्वाइन किया, आपको पता होना जरूरी है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस होती है दोस्तों, ये हमारे सोलर एनर्जी को प्रमोट करती है, ठीक है। जैसे कि आपके सोलर पैनल्स हो गए, जो सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है उसको प्रमोट करना, उससे ही हमें यूज़ करना, जिससे कि हम जो अदर सोर्सेस हैं उन पर डिपेंडेंट ना रहे, है ना। इसका यूज़ करके हम अपने आपको क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, और ज़्यादा इजी बना सकते हैं अपनी लाइफ को। अब देखो, आईएसए के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना, इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है आपका गुरुग्राम में, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नए बने हैं कुछ समय पहले, मिस्टर अजय माधव। स्वीडन की कैपिटल आपको पता है दोस्तों स्टॉकहोम है, करेंसी है करोना, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है स्टीफन लोफेन लोफवेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, सो शॉर्ट में BCAS का नाम से जानते हैं, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं दोस्तों। इनका नाम है नसीर कमल, तो याद रखिए सीनियर IPS ऑफिसर नसीर जी, तो इनको भी चुना गया है। और ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के, 1986 के IPS ऑफिसर रह चुके हैं, ये भी आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये जो बनाए गए हैं, ये कब तक के लिए बनाए गए हैं, ये जनरली बच्चों आपके जो इनका टेन्योर है वो है 31 जुलाई 2022 तक, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई भाई, अभी लूलू ग्रुप है उसके जो चेयरमैन है MA यूसुफ अली, तो ये याद रखना लूलू ग्रुप है दोस्तों, उसके चेयरमैन है ये, और इनको चुना गया है वाइस चेयरमैन किसका, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ADCCI जैसे आप बोल सकते हो शॉर्ट में। दूसरी चीज, इनको आखिर किसने चुना है, तो यहाँ के शेख हैं बच्चों, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान, जो कि अबू धाबी के प्रिंस हैं और डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ UAE आर्म फोर्स भी हैं। इनके द्वारा अभी एक नया बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम मैंने आपको बताया था अभी, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसके वाइस चेयरमैन इनको चुन लिया गया है यूसुफ अली जी को, तो ये आप याद रखें। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले बच्चों यूसुफ अली को अबू धाबी अवार्ड 2021 मिला था, जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। तो ये आपको सारी बातें पता होनी जरूरी है। अब अबू धाबी के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे कि आप जानते हैं इट इज़ द कैपिटल ऑफ UAE, और करेंसी हो गई इसकी दिरहम, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान जी हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्त भाई, अभी हाल ही में CRPF ने हाथ मिलाया है SEADC के साथ, तो एक सिंपल में क्वेश्चन आ गया, अभी हाल ही में CRPF और SEADC में दोनों ने हाथ मिलाया है, और ये क्या करेगा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनकी मदद से इनको ट्रेन करेगा। मतलब एक तरीके से आप देख रहे हैं आजकल भाई, इंटरनेट का जमाना है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, साइबर सिक्योरिटी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, तो इन सब की मदद से इनको ट्रेन किया जाता है। तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है, CRPF और SEADC ने दोनों ने हाथ पाँव मिलाए हैं, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है। चलिए CRPF के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये बनाया गया था 1939 में, और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है मिस्टर कुलदीप जी हैं, इनको पता होना जरूरी है दोस्तों। लीजिए ये भी इमेज भी आप देख लीजिए, आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, अभी हाल ही में HDFC बैंक का नाम, जैसे हम लोग जानते हैं जिसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में पड़ता है, तो HDFC बैंक को अभी मिले हैं $250 मिलियन का लोन, और ये दिया है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने दिया है। और याद रखना दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक हिस्सा है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी के वाले कोर्स में पढ़ा रखा है दोस्तों, 6:30 बजे जो हमारी क्लास होती है इवनिंग में, बताया ना, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था IFC किस में आता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, याद रखिएगा। अब ये जो फाइनेंस किया गया है किसके लिए किया गया है, ये जो है ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट करेगा, किसके लिए दोस्तों, ग्रीन हाउसिंग। अब ग्रीन हाउसिंग में मतलब क्या होता है, जो हाउसिंग लोन्स दिए जाते हैं वो इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं जो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, याद रखिएगा,
अब देखो HDFC के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया। इसके MD और CEO भी हाल ही बने हैं शशिधर जी, शशिधर जगदीशन जी, याद रखना। इसकी जो टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। और IFC के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, जहाँ वर्ल्ड बैंक का है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है और CEO है वो है मकदर दियोब, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में मिस्टर प्रमोद भगत, मे भी नाम सुना हो आपने, ये हमारे नंबर वन शटलर है, तो इनको चुन लिया गया है डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारे इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर फॉर 2029 जब हुआ था उस समय इनको चुना गया है, ठीक है। तो इनका नाम ये आया है, याद रखिएगा। और इनके बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों जो है ये 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, है ना। एक ब्रॉन्ज भी जीता है इन्होंने दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो हमारे पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं दोस्तों, कब से 24 अगस्त से टोक्यो में ही होंगे ये भी, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो अवार्ड है जो कि इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर फॉर 2019 जैसे इनको मिला है, ये अवार्ड 2017 में बनाए गए थे, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और ये कोविड के कारण डिले हो गया, जैसे कि आपको जानते हैं हर चीज़ डिले हो चुकी है, तो आपको पता ही है। आगे देखते हैं जी। लीजिए भाई, भाई अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स की लिस्ट आई है 2019 को लेते हुए, तो इसमें इंडिया टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। अब यहाँ पे याद रखना, देखा जाए तो इंडिया की टॉप 10 में कौन से नंबर पे रैंकिंग है, 9th नंबर पे है, और इसने जो है न्यूजीलैंड को रिप्लेस कर दिया, मतलब न्यूजीलैंड पीछे हो गया है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों तो मीट एंड एडिबल मीट ऑफल में हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है, 8th नंबर पे है, ये भी आप ध्यान रखें। वैसे 9th पे है लेकिन ईट मीट एंड एडिबल मीट ऑफर कैटेगरी में 8th नंबर पे है। अगर मैं बात करूं कि इस लिस्ट में टॉप किसने किया है तो ये याद रखना दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने 2019 में क्या करा है, आपका टॉप कर दिया है। वैसे तो देखा जाए तो US जो कि हमारा टॉप था जिसमें 1995 में, इसको ओवरटेक कर लिया है किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन ने 2019 में, ये भी आप ध्यान रखिए। और ब्राजील जो है आपका एक तरीके से 3rd लार्जेस्ट है, ये भी आप पता होना जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल इंडिया की लिस्ट का रैंकिंग जरूर याद रखना, दोनों कैटेगरी में 1 9th है और 1 8th है। इसके अलावा WTO के बारे में बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन जेनेवा, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है नगोजी, याद रखिए, और 1 जनवरी 1995 इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, नहीं अभी हाल ही में फर्स्ट गोल्ड मेडल जो टोक्यो ओलंपिक्स का है वो जीत लिया है चाइना के कौन, यांग क्वेन ने, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है, और ये पहला गोल्ड मेडल है 2020 समर गेम्स जो हमारे कहाँ हुए हैं बच्चों, 24 जुलाई वाले दिन असाका शूटिंग रेंज में हुआ था, याद रखिएगा। तो सिंपल वे में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है टोक्यो ओलंपिक्स का, चाइना की यांग क्वेन ने, याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई आपको पता होगा नहीं तो ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट, 1999 में भाई हुआ था कारगिल युद्ध, है ना। तो उस समय जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं जब से हम एवरी ईयर 26 जुलाई को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 26 जुलाई क्या मनाई जाती है, कारगिल विजय दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। और ये हमने 22 साल पूरे कर लिए हैं कारगिल को विजय दिवस के, अब आप लगाइए लोग 1999 में हुआ था तो ऑब्वियस है ना, 22 साल तो ऑब्वियस हो ही गया, इसमें सोचने की बात है ही नहीं। और यहाँ पे बच्चों इंडिया ने क्या करा था, विजय प्राप्त करी थी, ये चीज आप ध्यान रखना, इंडिया जीता था, इंडिया ने विजय प्राप्त करी। कहाँ हुआ था दोस्तों, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा जम्मू कश्मीर का, वहां पे हुआ था, वहीं पर इंडिया ने इसमें विजय ग्रहण करी थी, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, इसके अलावा बात की जाए तो वर्ल्ड ड्रोनिंग डे होता है, ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे, ये हमारा होता है 25 जुलाई वाले, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे का बनाया जाता है। ये अप्रैल 2021 यूएन जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन था ग्लोबल ड्रोनिंग प्रिवेंशन, उसके तहत ये 25 जुलाई के दिन बनाया गया। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि वर्ल्ड ड्रोनिंग डे कब होता है दोस्तों, 25 जुलाई वाले दिन। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में भाई बांग्लादेश के लेजेंडरी फोक सिंगर थे फकीर आलमगीर, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, COVID-19 की वजह से। भाई इनका जन्म हुआ था फरीदपुर में, ठीक है, आलमगीर में, एक्चुअली जमीन जगह के नाम से 1950 में इनका जन्म हुआ, ठीक। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश को जो 1970 लिबरेशन लिबरेशन वॉर था वहाँ पे इन्होंने स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र को ज्वाइन कर लिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
चलिए फिलहाल याद रखना फोक सिंगर थे फकीर आलमगीर जी, इनकी डेथ हो चुकी है, बांग्लादेश के थे। और ये बांग्लादेश के बारे में इंफॉर्मेशन, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और यहाँ के पीएम है शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद जी, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई। अभी हाल ही में एक जाना माना टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल, कताकीय रुद्रेश्वर टेम्पल कहते हैं ऐसे ऐसे, जिसको हम रामापुमा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, और ये पड़ता है आपके तेलंगाना के वारंगल के पास। एक जगह है दोस्तों मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है पलमपेट, वहाँ पे ये पड़ता है। तो इसको अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। याद रखना ये जो है 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है जो इसमें शामिल हुआ है, यानी कि इंडिया की ये लोकेशन जो है 39th नंबर की, ये भी आपको ध्यान रखना। एक्चुअली दोस्तों ये जो टेम्पल है बहुत पुराना है, ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, 13th सेंचुरी बनाया गया, और इसे रामापुमा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो नाम है रामापुमा, वो आर्किटेक्ट है उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, रामापुमा टेम्पल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये यूनेस्को के बारे में इंफॉर्मेशन है, हेडक्वार्टर ऑफ पेरिस है, याद रखें हाइड्रो एजुलेज क्या है इसके हेड, और 1945 में इसे बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये देख लो भाई, बड़ा प्राचीन मंदिर है ना। प्लीज आगे देख लो भाई, अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइज प्रोग्राम, इसरो का एक प्रोग्राम है, इसने अभी हाल ही में मल्टीपल कंपनीज के साथ हाथ मिलाया है, अबाउट 8 कंट्रीज के अराउंड इसने हाथ मिलाया है, कंपनी के साथ इसने हाथ मिलाया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोग्राम के तहत जो इंटरेस्टेड हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो ऑथराइज प्रोडक्ट्स होते हैं इसरो के, उसको खरीद सकेंगे, जैसे कि टी शर्ट्स हो गया, स्केल मॉडल्स हो गए है ना, एजुकेशन गेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसरो के बारे में बात करा जाए तो हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है, और के सीवान जिसके चेयरमैन है, और 1969 में इसे बनाया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देते हैं। लीजिए भाई, अगली न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो अभी हाल ही में मिस्टर अमित शाह जी के बारे में जानते हैं, होम मिनिस्टर हमारे जाने वाले देश के, तो इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन सोरा एफॉरेस्टिकेशन कैंपेन। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है दोस्तों, सोरा, सोरा चेरा पूंजी का नाम सुना होगा, वहीं पर ही है, ठीक है, उसको लॉन्च किया गया। और ये जो कैंपेन है इसको चलाया जा रहा है किसके द्वारा, असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा चलाया जा रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। और यहाँ पे बच्चों एक स्लोगन भी दिया गया है इस कैंपेन के लिए, इसका नाम है एवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट, इस स्लोगन का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों अभी अमित शाह जी ने दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पे गुवाहाटी में लॉन्च कर चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है, चेरापूंजी में आने से पहले यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं, वो गुवाहाटी आने से पहले चेरापूंजी में लॉन्च करे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई आज की ताजा खबर, जैसे कि आपको पता हो अभी कर्नाटक के सीएम है मिस्टर BS येदियुरप्पा, जो कि 19वें चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे दोस्तों। इन्होंने हाल ही में अभी क्या करा है, अपनी सरकार के 2 साल पूरे होते ही रिजाइन दे दिया है। लीजिए भाई, तो ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हाल ही में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जी ने रिजाइन दे दिया, तो आप ध्यान रखें। चलिए कर्नाटक के बारे में इंफॉर्मेशन, कैपिटल है बेंगलुरु और थावरचंद गहलोत जी, याद रखना अभी हाल ही में इसके नए गवर्नर बने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जैसे मैंने बताया अभी गुवाहाटी आने से पहले चेरापूंजी गए, तो अमित शाह जी अब गुवाहाटी आए हैं, और वहाँ पे इन्होंने भी तामूलपुर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो गुवाहाटी है उसका उन्होंने क्या करा, उद्घाटन किया है पहली चीज। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो है कैंसर का ट्रीटमेंट और रिसर्च का एक हब बनेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 1 लाख रुपए के चेक जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, 100 सिलेक्टेड COVID-19 विक्टिम्स को लेकर यहाँ पे ऐसा बोला गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले बच्चों यहाँ पे अमित शाह जी ने रेडियो थेरेपी की एक न्यू यूनिट जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल था उसको भी इनॉग्रेट करा था, आपने शायद पहले कल में पढ़ा होगा, आई थिंक याद हो। कैपिटल के बारे में बात करें, असम तो कैपिटल है दोस्तों दिसपुर, और यहाँ के जो सीएम है हेमंत बिस्वा सरमा जी और जगदीश मुखी जी यहाँ पे गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई ये बड़ी अच्छी न्यूज, अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने भाई शरद कुमार जी को बनाया है डायरेक्टर ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट। लीजिए सिंपल वे में याद रखना है कि चेन्नई एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों, आपके शरद कुमार जी बने हैं, याद रखिए। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, इन्होंने सुनील दत्त को रिप्लेस करा है, ये भी आपको पता होना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
लीजिए भाई भाई, अभी एक हमारा अवार्ड है कायाकल्प NQAS, मतलब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स अवार्ड, सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसके तहत होता है ये। तो इसके तहत अगर बात किया जाए तो 27 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं अलग अलग, उनको चुना गया है, उनको नॉमिनेट किया गया है। अब दोस्तों ये जो अवार्ड है, अगर मैं बात करता हूँ तो याद रखना ये बनाए गए थे 15 मई 2015 वाले थे, ठीक है। और ये क्यों दिए जाते हैं, जैसे हाइजीन, सैनिटाइजर है ना, सैनिटाइजेशन हो गया, साफ सफाई हो गई, क्लीननेस, उसके लिए ये हमारे जो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसको अगर आप ये सारी चीजें वेल मेंटेन करते हैं तो अवार्ड ये दिया जाता है, याद रखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो उसके लिए 27 का नाम चुना गया है, आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई। अभी जानी मानी 26 जुलाई वाले दिन बच्चों मल्टीलिंगुअल एक्ट्रेस जयंती, इनकी डेथ हो चुकी है, और 76 ईयर्स की थी। और दोस्तों याद रखना इनका वैसे नाम था कमला कुमार, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बलारी में हुआ था 1945 में। तो फिलहाल याद रखिए, अभी हाल ही में जयंती जी नहीं रही, क्या थी, एक्ट्रेस थी, मल्टीलिंगुअल एक्ट्रेस, इनकी हाल ही में डेथ हो गई। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए भाई भाई। अभी हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, श्री अर्जुन राम मेघवाल, तो इनका नाम ध्यान रखें, इनके द्वारा एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया, आज़ादी की शौर्य गाथा। और ये दोस्तों जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके ऊपर, उनकी जो लाइफ है उसके उनके ऊपर एक फोकस डालता है, और ये हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक पार्ट के तौर पर यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे है दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स न्यू दिल्ली में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है सेकेंड डे वाले दिन 3 3 डे कला कोष प्रतिष्ठा दिवस मनाया गया है, ठीक है। ये भी हमारा IGCN यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट के द्वारा ही सेलिब्रेट किया गया था, याद रखिएगा। तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद जी को रेस्पेक्ट देते हुए आज़ादी की शौर्य गाथा को एज एन एग्जीबिशन को इनाग्रेट किया गया, किसके द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, लीजिए दोस्तों भाई, ये बहुत अच्छी न्यूज़, जैसे कि आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा का नाम सुना ही होगा आपने ना, तो अभी हाल ही में इंडिया ने सेलिब्रेट किया है बुद्धिस्ट हेरिटेज है ना, और यहाँ पे हमारे रामनाथ कोविंद जी और मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो हमारा आषाढ़ पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा जिसे आप बोलते हो, और जो गुरु पूर्णिमा होती है, तो इसको अभी अभी यहाँ पे उद्घाटन किया है, यानी कि ग्रीटिंग्स दी, यानी कि क्या कहते हैं, शुभकामनाएं बांटी है, ठीक है। चलिए, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इस डे को हम जो है फर्स्ट टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ धर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है हमारा एक बुद्धिस्ट जो सोसाइटी है, बुद्धिस्ट जो पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बाद, वैसाख बुद्ध पूर्णिमा के बाद जो होता है, वैसाख पूर्णिमा जिसे बोलते हैं इजी वे में, वैसाख पूर्णिमा, उसके बाद जो गुरु पूर्णिमा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चल आगे देखते हैं, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये डे जो है हमारा स्टेब्लिश है किसका, सांघा जो मतलब एक तरीके से सांघा जो क्या होता है, ऑन फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़, आषाढ़ में जो हमारा फुल मून डे होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सांघा का ये एस्टेब्लिशमेंट डे माना जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में कोविड का हालात हो रहा है बहुत ज़्यादा गंभीर, जो हालात आपको पता हो दोस्तों, अभी इंडिया में कुछ समय पहले था सेकेंड लहर के समय ऑक्सीजन की कमी कितनी हो गई थी, आपने देखा होगा, तो सेम वही कंडीशन यानी उससे वर्स्ट कह सकते हैं आप, उतनी ही कह सकते हो अभी इंडोनेशिया फेस कर रहा है। तो उसको हेल्प करने के लिए एरावत इंडिया से पहुंचा है, कहाँ, जकार्ता, और ये क्या लेके गया है दोस्तों, हमारे COVID-19 जो रिलीफ सप्लाईज हो सकती हैं, जैसे 5 क्रायोजेनिक कंटेनर्स जिसमें 100 मिलियन टन एमटी लिक्विड ऑक्सीजन जो है हमारी थी, और 300 कंसंट्रेटर सपोर्ट हमारे भेजे हैं, किसको, कंसंट्रेशन किसको, तो हमने इंडोनेशिया को भेजेगा, याद रखिएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, अब उसका समय खराब है तो उसकी हेल्प करना भी जरूरत है, और याद रखना कौन गया है, एरावत गया है ये काम करने करने के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अरे वाह, लीजिए भाई दोस्तों, न्यूज़ हो गई है फिनिश, और ये आप सभी के लिए मैं आसान भाषा में लाया हूँ, आसान करने के लिए, एक तरीके से न्यूज़ एट ग्लांस जिसको मैंने आज से लाना शुरू करा है, इससे आपको आसानी होगी, जो भी हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं उसका आप क्विक रिवाइज यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, ये हमने सारी न्यूज़ आप सबके साथ हमने कवर करी है। अगर देखा जाए तो अबाउट आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है 20 to 20 प्लस तो होंगे न्यूज़ आज की,
ज्यादा ही होंगी, हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, मजा आया होगा। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो अभी 28 जुलाई से कुछ न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, आप उनमें भी बेनिफिट ले सकते हैं। जो फ्री वाले बच्चे हैं आप सब्सक्रिप्शन लीजिए अन अकेडमी पे, अन अकेडमी कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो दोस्तों, है ना। देखो यहाँ पे अभी एवरी संडे होता है सुबह 10 बजे, इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें दोस्तों, अगर कोई भी स्टूडेंट अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, याद रखना बेटा जल्दी करिए, कि फी हो सकती है इंक्रीज, ठीक है। तो फी बढ़ गई तो आपको घाटा हो सकता है, और अभी आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे आपको, तो अभी थोड़ा फी आसान है, नॉमिनल है, तो आप इनका फायदा ले सकते हैं। और आप अगर मेरा रेफर कोड है सुकेश सर, इसको यूज कर लेंगे, तो बेटा जो भी फीस है उसमें 10% की कमी और हो जाएगी। और अपने जो क्रेडिट्स होते हैं, जो आप जब फ्री क्लास देखते हो दोस्तों, तो वहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं और क्रेडिट्स होते हैं, जिन्हें हम उसकी मदद से उनको रिडीम करा के भी आप अपनी फी को कम कर सकते हैं। तो जल्दी करो, पॉइंट लगाओ, मेरा कोड लगाओ और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और फिर हमारे प्लस कोर्स जो चलते हैं दोस्तों, उसमें आना शुरू कर दीजिए। मेरे जो प्लस कोर्स चल रहे हैं उसको भी इन्फॉर्म कर देता हूँ फ्रेंड्स, मेरे प्लस कोर्स होते हैं, एक तो होता है सुबह 7:30 बजे, 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो एक होता है हमारा मॉर्निंग में 7:30 बजे, जिसमें मैं बैंकिंग डिस्कस कर रहा हूँ। एक होता है दोस्तों 8:30 बजे इवनिंग में, इसमें मैं लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, याद रखना, ठीक है। तो आप दोनों में आइए, इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो दोनों को अच्छे से फॉलो करो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी दोस्तों? इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो टेलीग्राम चैनल के नाम दिए हुए हैं, वहाँ मिलेगी। और आपके सामने स्क्रीन पर एक टेलीग्राम चैनल का नाम आ रहा होगा पट्टी पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे भी इसकी प्रोवाइड आपकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों हमेशा याद रखो, एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ने के बाद रिवाइज नहीं कर रहे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपका एक रूल होना चाहिए, पढ़िए, उसे घर पे रिवाइज कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी इस वेडनेसडे वाले दिन यानी कि कल, ठीक है, मैं 19 जुलाई से लेकर 26 जुलाई का टेस्ट देने जा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, अच्छे तरीके से पढ़ के आएँ और बेस्ट स्कोर करें, जिससे मुझे भी खुशी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कितना अच्छा सीखा, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलेंगे फिर हम डेली करंट में कल सुबह 6:30 बजे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।